जय नगर निगम के सभागार में पितृपक्ष मेला में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर व निगम आयुक्त ने सफाई निरीक्षक और सफाई जमादार के साथ बैठक में कई दिशा निर्देश दिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में नेशनल प्रेस डे मनाया गया। इस मौके पर सीयूएसबी के जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि बुधवार को विश्वविद्यालय कैंपस में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश भर की तरह विश्वविद्यालय में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बुधवार की सुबह विश्वविद्यालय कैंपस में सबसे पहले मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 250 छात्र तथा छात्राओं ने भाग लिए। बुधवार को भी जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और सड़कों पर अतिक्रमित करके लगाई गई दुकानों को हटाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एसडीओ सूरज कुमार सिन्हा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद थे। इस दौरान एसडीओ सूरज कुमार ने बताया कि सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। नक्सल संगठन भाकपा माओवादी का दो दिन बंद मामले पर इमामगंज रानीगंज बाजार में नक्सली पर्चा पाया गया था। इस मामले पर इमामगंज डीएसपी सुशील कुमार ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया। इस फुटेज में एक व्यक्ति के हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में पोस्टर दिख रहा है। सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्ति को पुष्टि करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। कोई एक लोकल बंदा है जो कि इस पर्चे को चिपकाने जा रहा है। फिर हम लोगों ने इसको और भी गहराई में जाके जांच पड़ताल की पहचान करवाई तो पता चला कि गौतम कुमार पिता स्वर्गीय जो कि उसी रानीगंज बाजार में इनका मकान था, इसी लड़के ने चिपकाया था। फिर हम लोग आज सुबह में इसको ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास में हमने इसको गिरफ्तार किया। आज मदीना मनोवरे से हाजियों के पहले जत्थे का आगमन गया एयरपोर्ट गया में हुआ, जिसमें 150 यात्रियों का स्वागत मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोहम्मद खुर्शीद उर्फ मोहम्मद फिरोज अहमद, जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा गुलाब का फूल देकर तहे दिल से स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने हाजियों से गले मिलकर और हाथ मिलकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मगध पमंडल मोहम्मद नौशाद आलम, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता व अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज बेलागंज प्रखंड के बिलहारी पंचायत के बिलहारी गांव में सर्वदलीय सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा के शांति हेतु उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर विकलांग लोगों के बीच कपड़े का भी वितरण किया गया। शेरघाटी के शुमाली मोहल्ला में रास्ते के विवाद को लेकर सोमवार के देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में घायल भी हुए। घायलों को स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शिवपुरी कॉलोनी मानपुर में अतिक्रमणकारियों की वजह से नाले का पानी नहीं निकलने की वजह से गंदा पानी घुसा घरों में, जिसके वजह कर आने जाने में लोगों को हो रही है परेशानी। संवाद सदन समिति विष्णुपद मंदिर गया में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में पितृपक्ष मेला की तैयारी को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं संवाद सदन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने संवाद सदन समितियों के सदस्यों को सभी 52 वेदियों की रंगाई पुताई कराने का निर्देश दिया। शेरघाटी के आमस प्रखंड में स्थानीय थाना क्षेत्र के चंडी हसन बाजार स्थित यूको बैंक में चोरों ने सेनमारी कर हजारों रुपए के कंप्यूटर चुरा ले गए। बताया जाता है कि चोर बांस के सहारे पीछे की छत से परिसर में घुसे और शौचालय की दीवार काट कर बैंक में प्रवेश किया। हालांकि स्ट्रांग रूम नहीं टूटने से लाखों रुपए की चोरी होने से बच गया। चोरों ने बैंक में रखे स्ट्रांग रूम को तोड़ने का घंटों प्रयास किया लेकिन असफल रहे।
निराशा हाथ लगने के बाद चोरों ने बैंक में रखे 8 कंप्यूटर के सीपीयू व सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर साथ ले गए। सेंधमारी की सूचना मिलते ही सोमवार को थाना अध्यक्ष लाल बहादुर यादव समेत पुलिस के आला अधिकारी भी बैंक पहुंचे व जांच में जुट गए। बनाने के लिए आपके साथ है SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब। शादी हो, बर्थडे हो या रिसेप्शन, हर लम्हों को कैद करके रखते हैं हम, वो भी परफेक्शन के साथ। हमारा काम ही हमारी पहचान है। SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब सालों साल से सिर्फ आपकी सेवा में। एक बार जरूर आए SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब। कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना हो या अपना कोई एल्बम बनाना हो, आप सभी का स्वागत है। गाना तो आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैसे? क्षेत्रीय कलाकार हमसे संपर्क करें। SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब, नियम मिर्जा गाले कॉलेज, गया। मोबाइल नंबर 9934605114 एंड 9852091275। किसी भी शुभ अवसर पर कव्वाली या गजल के कार्यक्रम के लिए संपर्क करें बिथो शरीफ दरगाह के कव्वाल जनाब रियान वारिस सूफी कव्वाल एंड गजल सिंगर रियान वारिस सन ऑफ राजन भारती कव्वाल किंग ऑफ गजल रियान वारिस बिथो शरीफ दरगाह गया बिहार। मोबाइल नंबर 9934264891 और 7050029862।